गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज आवर लास्ट वीडियो वी हैड कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 3। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्फीयर। व्हाट इज स्फीयर? अ स्फीयर कैन बी डिफाइंड एज अ राउंड सॉलिड फिगर हुज डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस टू द मिड पॉइंट इज द सेम और इक्वल। एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर क्या क्या हो जाएंगे? बॉल, प्लैनेट्स, मून, आईबॉल, ऑरेंज एसेट्रा। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ध्यान सुनना, यहाँ पे अपन यहाँ पे डिफरेंस भी समझ लेंगे स्फीयर क्या होता है और सर्कल क्या होता है, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास एक बॉल है या फिर मेरे पास एक पम्पकिन है, ठीक है। क्या है? पम्पकिन है, उसको मैं अगर कहीं से भी काटूं, जस्ट अ मिनट, ये देखो, सी दिस वन, सपोज ये स्फीयर है। क्या है? ये स्फीयर है, इसको मैं कहीं से भी काटूं स्टूडेंट्स, ऐसा काटूं, यहाँ से काटूं, फर्स्ट लाइन में काटूं, सेकंड लाइन से काटूं, सपोज ये पम्पकिन है, ठीक है। मान लो ये अर्थ है, एग्जांपल है किसका? स्फीयर का। अगर इसको कहीं से भी कट करूं तो ये कैसे बनेगा? जैसे मैं अगर इसको कट करूं, बीच से कट करूं, यहां से कट करूं, कहीं से भी कट करूं, तो ये मेरे को कौन सा शेप देगा पता है? ये मेरे को देगा सर्कल शेप। जैसे कि मान लो मैं इसको बीच से, यहां से, मिड पॉइंट से, यहां पर से कट कर दिया, ठीक है, तो मेरे को ये इस टाइप का शेप देगा। ये देखो, ये दिख रहा है, ये इस टाइप का मेरे को शेप देगा। अगर मैं स्फीयर को बीच से कट कर दूं तो कैसे शेप देगा? इस टाइप का। इसको क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर, ठीक है। ये आपके हो गया स्फेरिकल शेप पे है, और ये जो कट हुआ है, ये जो दिख रहा है कट, ये किस पे बना है? ये जस्ट लाइक क्या है? सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है, ठीक है, जो दिख रहा है ये क्या है? सर्कल है। इट मीन्स अगर मैं अर्थ को या फिर पम्पकिन को, देखो मान लो ये पम्पकिन है, सपोज मैं इसको कट कर रहा हूँ, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, कहीं से भी कट करो स्टूडेंट्स, वो मेरे को कौन सा शेप देगा? कटा वाला को जो कट शेप देगा, कौन सा देगा? सर्कल शेप देगा। तो अपन ये बोल सकते हैं ऐसे बहुत सारे सर्कल से अपन क्या बना बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्कल से अपन क्या बनाएंगे? स्फीयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्फीयर बनाएंगे, ठीक है। स्फीयर है, ये कौन सा शेप है? थ्री डी शेप है। थ्री डी शेप इसलिए बोल रहे हैं, देखो इसको अपना अपर पार्ट दिख रहा है, पीछे का पार्ट दिख रहा है क्या अपने को? इसका पीछे का पार्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज थ्री डी शेप, ठीक है। और जो सर्कल है, दिस इज व्हाट सर्कल, तो ये सर्कल को अपन प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? लेकिन इसको स्फीयर को प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज टू डायमेंशनल शेप, दिस इज व्हाट थ्री डायमेंशनल शेप। तो जितने भी सर्कल्स है, कलेक्शंस ऑफ सर्कल बोल सकते हैं, इन अ वन फिगर इट वॉज, इट विल बी अ वॉट? स्फेयर। इसको आप कहीं से भी कट करो, कहीं से भी कट करो, तो जैसे ही कट करोगे कौन सा शेप देगा आपको? स्फेरिकल। कौन सा शेप देगा? सर्कल शेप देगा, जस्ट लाइक ये मैंने इसको बीच से कट कर दिया, तो ये कौन सा शेप देगा? यहाँ से लिखिए, जो सर कौन सा शेप देगा स्टूडेंट? ये अपने को सर्कल शेप देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेंशन भी है, व्हाट इज अ स्फीयर? इट इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर इन विच एवरी पॉइंट ऑन अ सरफेस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर, ठीक है। सो फॉर्मूलेज हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 4πr², ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3πr³, ठीक है। नाउ दिस इज हेमिस्फीयर, अगर मैं पम्पकिन को काटा, आफ्टर कटिंग ये कुछ ऐसा शेप दिखेगा, ये दिखेगा सरफेस, इस टाइप का कुछ दिखेगा, स्फीयर टाइप का, ठीक है। और ये जो शेप कैसा दिखेगा स्टूडेंट? सर्कल शेप का दिखेगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 2πr², ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 4πr², तो हाफ कर दो तो क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा? 2πr². टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है ये क्या है? 2πr है, ठीक है ना। ये जो एरिया है, ओनली दिस एरिया, ये क्या है? स्फीयर है, तो 2πr² प्लस ये जो सर्कल, ये क्या है? सर्कल है, तो 2πr² प्लस πr² क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? 3πr², ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर, जब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? 4/3πr³, इफ वी हैव टू हाफ, इसको अगर हाफ कर देंगे तो क्या होगा? हाफ करने से क्या हो जाएगा? 2/3πr³, ठीक है। 4/3 को अगर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3πr³, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है।
तो अपने को सिर्फ याद रखना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², उसको हाफ करोगे तो हेमिस्फीयर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³, इट इट मेक इट हाफ, तो ये क्या आ जाएगा 2/3πr³, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये स्फीयर है तो इसका क्या आएगा 2πr², ठीक है, प्लस ये जो एरिया सर्कल, जो सर्कल का एरिया क्या, एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट πr², तो 2πr² प्लस πr² क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे 3πr², क्लियर है। नाउ सी सरफेस और एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4πr², हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा हाफ, इफ यू टू 4πr² अगर मैं हाफ से डिवाइड कर दूंगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2πr² मीन्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है, और वॉल्यूम स्फीयर क्या है 4/3πr³, अगर इसको मैं हाफ कर देते हैं, चलो हाफ करके देखो, हाफ कर दो 4/3πr³, इफ यू हैव टू मेक हाफ तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा 2 कैंसिल, तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2/3πr³, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³, ठीक है, और टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2πr², ये आपका स्फीयर का हो गया प्लस ये आपका सर्कल का हो गया, तो ये हो जाएगा क्या 3πr², ओके, इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, स्फीयर इज व्हाट 3D, थ्री डायमेंशनल शेप। नाउ सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नाउ सी द एक्सरसाइज नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन सी योर टेक्स्ट बुक, व्हाट द क्वेश्चन सेज, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो रेडियस इज गिवन 21 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या है 4πr², ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई स्टूडेंट्स 22/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 21 का होल स्क्वायर, ठीक है, आफ्टर दैट 4 × 22/7 देन 21 × 21, नाउ यू हैव टू कैंसिल 7 × 3 = 21, तो ये आ जाएगा 4 × 22 × 3 × 21, क्लियर है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 3 × 3 = 6, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 88 × 60, सो व्हाट इज आंसर 5544 cm². ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 3 सेज, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन 154 cm², वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमीटर, डायमीटर पता करना है मींस वी हैव टू फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस, तो एज वी नो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन 154, तो अपन क्या करते हैं जस्ट बिलो वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है 4πr² इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 154, अगर किसी का वॉल्यूम दिया है, किसी का सरफेस एरिया दिया है, जस्ट बिलो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द स्फीयर, सो आफ्टर यू हैव टू कैलकुलेट 22/7 मल्टीप्लाई r² 154, क्लियर है, आफ्टर दैट r² इक्वल्स टू 154 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 22, ओके, नाउ यू हैव टू कैंसिल इट, 2 से कर दो 11, 2 7 = 14, 2 7 = 14, तो ये आ जाएगा r² इक्वल्स टू 77 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 4 × 11, ठीक है, आफ्टर दैट दिस 11 7 = 77, सो आफ्टर दैट r² इज देयर, शैल आई राइट 7 का स्क्वायर, और वी हैव टू राइट 2π², ठीक है, 7 × 7 = 7 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखते हैं 2π², आफ्टर दैट r इक्वल्स टू शैल आई राइट 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर r 7/2 cm, ओके,
सो दिस इज योर रेडियस. सो दिस इज योर रेडियस. व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज व्हाट? टू मल्टीप्लाई आर, टू मल्टीप्लाई बाई आर. सो टू मल्टीप्लाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? सेवन अपॉन टू. ओके, नाउ टू कैंसल टू टू. सो व्हाट इज डायमीटर? 7 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर टू इज वेरी इजी, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉरी फाइव. बाई मेल्टिंग डाउन 21 मेटेलिक बॉल्स, हाउ मेनी मेटेलिक बॉल्स आर देयर? अब देखो स्टूडेंट्स, फिर मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आ गया. मेल्टिंग मतलब जो प्रीवियस जो थिंग होगा और जो नई थिंग होगा, बोथ वॉल्यूम विल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस एज द प्रीवियस वीडियो. क्वेश्चन क्या बोलता है? बाई मेल्टिंग डाउन 21 मेटेलिक बॉल्स है, ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, वन बिग स्फीयर इज मेड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. मतलब क्या हुआ, ये बोलता है स्टूडेंट्स, मेरे पास टोटल कितने मेटेलिक बॉल्स है? 21 मेटेलिक बॉल्स है, सॉरी ये 21 मेटेलिक बॉल्स है. 21 मेटेलिक बॉल इज देयर, रेडियस कितना है स्टूडेंट्स? 22 सेंटीमीटर है. अब ये जो स्मॉल मेटेलिक बॉल्स है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? मेल्ट कर रहा हूँ. पूरे 21 बॉल्स को मैं क्या कर दे रहा हूँ? मेल्ट कर देता हूँ और एक बड़ा सा बिग स्फीयर बनाना चाहता हूँ. बिग स्फीयर वी हैव टू मेक. सो व्हाट वी हैव टू मेक? तो ये 21 मेटेलिक बॉल्स है, वो किसके इक्वल होगा? बिग स्फीयर के वॉल्यूम के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इट मीन्स वॉट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर. ठीक है, बोथ द वॉल्यूम्स क्या होगा वहां पे? सेम होगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल्स? क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर, दिस आर क्यूब, सेम ईयर 4/3 पाई आर क्यूब. बट इन द स्मॉल मेटेरियल बॉल्स क्या लिए अपन? रेडियस आर वन. एंड फॉर द बिग स्फीयर के लिए क्या लिए अपन? आर टू. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, नंबर ऑफ बॉल्स एज वी नो. अब यहाँ पे देखो, एज अ प्रीवियस वीडियो अपने को वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ स्फीयर, ये पर ये फाइंड आउट करते थे. बट यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया है? नंबर ऑफ बॉल्स कितना दिया है? 21. तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स को? 21 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 21. ठीक है, सो व्हाट? 21 मल्टीप्लाई दिस 4/3, 4/3 कैंसिल, दिस पाई पाई कैंसिल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वन? 2 का क्यूब, ये 2 एज इट इज. ठीक है, आर टू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा क्या? आर क्यूब इक्वल्स टू, दिस इज अ रेडियस 2 फॉर द बिग स्फीयर, तो 21 इंटू ये आ जाएगा 8. ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बिग स्फीयर. सो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, व्हाट इज द फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब. और बिग स्फीयर को क्या लिया अपन? आर टू. ओके, 4/3, 22/7. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर क्यूब? क्या आ जाएगा? 21 into 8. ठीक है, नाउ यू हैव टू कैंसिल. 7 3 is 21. दिस 3 एंड दिस 3 कैंसिल, दो बचा गया हमारे पास 4 into 22 into 8. 4 2 is 8, 4 2 is 88 into 8. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर? 88 into 8. तो सुन सही है, आपका आ जाएगा कितना? 704 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मेल्टिंग डाउन क्वेश्चन, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. दो स्टूडेंट स्टिल नॉट सी द प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट सी दैट प्रीवियस वीडियो. ओके.
नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सी. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सिक्स. बाय मेल्टिंग डाउन, अगेन मेल्टिंग डाउन क्वेश्चन. बाय मेल्टिंग डाउन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, सम स्मॉल कोन्स आर मेड, ईच ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स. कैसे करेंगे इसको? बाय मेल्टिंग डाउन ए स्फीयर. क्या मेल्ट कर रहा है स्टूडेंट? स्फीयर मेल्ट कर रहा है. बना क्या रहा है? कोन्स बना रहा है. देखो क्या बना रहा है? कोन्स बना रहा है, ठीक है. इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन के. क्लियर है? ज्यादा क्लियर हो रहा है? जो भी मेल्ट हो रहा है, मेल्ट क्या हो रहा है? स्फीयर हो रहा है. बना क्या रहा है? कोन. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ज्यादा क्लियर है? नो सी. नो सी, स्फीयर दिया है. रेडियस स्फीयर के यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर, कोन का रेडियस है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज हाइट 3 सेंटीमीटर. एज वी नो, किसी को भी अपन मेल्ट करे तो बोथ द वॉल्यूम्स आर सेम. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कोन्स. क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ कोन्स. इट मीन्स कहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा? नंबर ऑफ कोन्स. इट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कोन, आई हैव टू मल्टीप्लाई हियर इन दिस साइड. क्लियर है यहाँ पे? आफ्टर दैट वी कैलकुलेट होगा यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ कोन्स टू मल्टीप्लाई पाई का पाई रहने दो. व्हाट इज रेडियस? कोन का रेडियस क्या है यहाँ पे? 3.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई व्हाट इज हाइट 3 सेंटीमीटर, 4/3 पाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 10.5 का होल क्यूब, ठीक है. आफ्टर यू हैव टू कैलकुलेट. अब यहाँ देखो, यहाँ पाई पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. अब ये एन मल्टीप्लाई 35/10. अब यहाँ पे देखो ये 3/3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल. तो ये हो जाएगा 35/10 इक्वल्स टू 4/3. ये हो जाएगा 105/10 इंटू 105/10 इंटू 105/10. क्लियर है? आफ्टर दैट यू टू मल्टीप्लाई. ये सब कैंसिल हो गया, बचा ये. तो यहाँ लिख लो क्या क्या बचा. 4 × 105 × 105 × 105. नाउ दिस को दिस साइड 10 × 10 होल डिवाइडेड बाई 35. हमारे पास क्या क्या था यहाँ पे? 3, ठीक है. यहाँ पे 4 × 4 105 थ्री टाइम्स. नाउ दिस को दिस साइड 10 × 10 35 × 35 ये इधर आ जाएगा. यहाँ पे 3 × 10 × 10. नाउ यू हैव टू कैंसिल आउट. दिस इज होमवर्क फॉर यू. आफ्टर योर कैंसिलेशन ये आपका आ जाएगा 126, ठीक है. यू हैव टू कैंसिल बाय योर सेल्फ. तो नंबर ऑफ कोन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? 126. सो दिस इज योर आंसर. इसको कैंसिल कर देना, 5 से कट जाएगा, वो आंसर आ जाएगा. व्हाट इज आंसर इज नंबर ऑफ कोन इज व्हाट? 126 कोन्स. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स. सी योर टेक्स्ट बुक. व्हाट द क्वेश्चन नंबर 7 सेज? आफ्टर फिलिंग द एयर इन अ स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, इट बिकम्स 14 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन बोथ द कंडीशंस. अब क्वेश्चन ये बोलता है, आफ्टर फिलिंग द एयर इन अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, इट बिकम्स 14 सेंटीमीटर. मतलब ऑलरेडी बैलून पे एयर है, उसका रेडियस कितना है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर. व्हेन वी हैव टू फिल द एयर आफ्टर 7, मतलब ऑलरेडी वो फिल है, ठीक है, कुछ होगा उस पे एयर. 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस है बैलून का. अपने उसमें और थोड़ा सा एयर फिल किए तो अब रेडियस कितना हो गया स्टूडेंट्स वहां पे? R2 हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गया R1, और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ बोथ द बैलून्स, बोथ द कंडीशंस ऑफ द बैलून्स. तो फर्स्ट कंडीशंस और क्या बोला आपने को सरफेस क्वेश्चन में क्या बोला आपने को? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बैलून्स इन बोथ द कंडीशंस. वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया. सो फर्स्ट कंडीशंस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया ऑफ
बैलून। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला सरफेस एरिया, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज फॉर द फर्स्ट कंडीशन, आर वन इज वॉट वाई बिकॉज दिस इज आर वन। ओके, सेकेंड कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर सेकेंड कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सेकेंड कंडीशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून, ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सेम सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर टू इज देयर आफ्टर फिलिंग, इट मेक्स रेडियस 14 सेंटीमीटर। सो वॉट वी हैव टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, तो फर्स्ट कंडीशन अपॉन सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन का सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर1 का स्क्वायर अपॉन सेकेंड कंडीशन का क्या है अपने पास, 4 पाई आर2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, हियर 4 4 कैंसल, पाई पाई ऑल्सो कैंसल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर1, 7 का होल स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर2, आर2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 14 का स्क्वायर। ठीक, सो 7 × 7 अपॉन 14 × 14, 7 × 14, हियर ऑल्सो 7 × 14, क्लियर है। सो वॉट वॉट इज द रेशो हियर, 1/4, सो वॉट इज द रेशो, इट मेक्स 1:4। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 9 सेज, क्या बोला, रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इक्वल्स टू 64:27। ये क्वेश्चन पे है, कैलकुलेट द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इन क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन, बोलता है जो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर रेशो दिया हुआ है, वॉल्यूम फर्स्ट स्फीयर और सेकंड स्फीयर का कितना दिया हुआ है, 64/27। सो अपने को पता है इफ वॉल्यूम इज गिवन, व्हाट वी हैव टू मेक, वी हैव टू राइट द फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, 4/3 πr³ अपॉन 4/3 πr³। टू वॉल्यूम इज देयर, टू स्फीयर इज देयर, तो इसको ले लेते हैं r1 और इसको ले लेते हैं अपन r2। ठीक है, सो आफ्टर दैट 64/27, हियर 4/3 4/3 कैंसिल, पाई पाई ऑल्सो कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, r1³ / r2³ इक्वल्स टू 64/27। सो हियर ऑल्सो ही इज ऑल्सो क्यूब, सो शैल आई राइट, क्या अपन लिख सकते हैं, 4³, यस वी टू राइट, शैल वी राइट 3³, वाई बिकॉज 4 × 4 × 4 = 64, 3 × 3 × 3 = 27। सो r1/r2³ इक्वल्स टू 4/3³। ओके, दिस 3 3 3 कैंसल, तो क्या आ गया हमारे पास, r1/r2, इट मेक्स 4/3, क्लियर है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया, हाँ ये पता करना है, कैलकुलेट रेशो ऑफ द सरफेस एरिया। सो रेशो क्या लिखेंगे अपन, हाँ सर, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ टू दिस स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, एज वी नो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट ईयर को अपन क्या लिए थे, r1, सेकेंड स्फीयर को क्या लिए थे, r2। ओके, नो दिस 4 4 कैंसल, पाई पाई ऑल्सो इज कैंसल, तो बचा क्या स्टूडेंट्स, r1/r2, हियर ऑल्सो स्क्वायर, हियर ऑल्सो स्क्वायर। ठीक है, तो सेल राइट r1/r2² क्लियर है। और व्हाट इज द वैल्यू r1/r2, क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, 4/3। सो व्हाट इज आंसर, 4 4 = 16, 3 = 9, सो व्हाट इज द रेशो हियर, 16:9, सो दिस इज योर आंसर, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन,
नो वर द क्वेश्चन नंबर 10 से स्टूडेंट्स क्या बोलता है, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेयर, कोई रेडियस है स्फेयर का, उसको ले लेते हैं आर वन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देन क्वेश्चन सेज हाउ मेनी स्फेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग दिस स्फेयर। अगेन सेम क्वेश्चन, मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब जो आर वन का 12 सेंटीमीटर है ये बनाना है, क्या बनाना क्वेश्चन पे, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेयर 12 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग दिस स्फेयर, मीन्स वी हैव टू मेल्ट। तो आर टू क्या है हमारे पास, किस टाइप का रेडियस बनाना है, किस टाइप का अपने को स्फेयर बनाना है, कौन सा रेडियस का बनाना है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, इसी का अपने को बनाना है 6 सेंटीमीटर का। तो नंबर वी डोंट नो, सो एज वी नो इफ यू हैव टू मेल्ट प्रीवियस थिंग और न्यू थिंग, सो बोथ वॉल्यूम्स आर इक्वल, सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, इसको ले लेते हैं स्मॉल, वाई बिकॉज 6 सेंटीमीटर है, स्मॉल स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, ठीक है। अब जिसका ऑब्वियस बात है, जिसका रेडियस ज्यादा होगा, बिग होगा, तो वो क्या कहलाएगा, बिग स्फीयर, और जिसका रेडियस कम होगा वो क्या कहलाएगा, स्मॉल स्फीयर, क्लियर है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ, एंड वाई आर वी आर टेकिंग द वॉल्यूम, वाई वी आर नॉट टेकिंग द सर्फेस एरिया, वाई बिकॉज यहाँ पे मेल्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पूरा वॉल्यूम को मेल्ट करेंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है, 4/3 π आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 π आर क्यूब। अब यहाँ पे स्मॉल स्फीयर कौन सा होगा, 6 सेंटीमीटर, सो आई एम टेकिंग आर टू हियर। बिग स्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज द बिग स्फीयर रेडियस, तो हो जाएगा आर टू, सो हियर 4/3 4/3 कैंसिल, π π आल्सो कैंसिल, ओके। नो वन थिंग स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ, क्या बोला, हाउ मेनी स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेडियस कौन सा है यहाँ पे, स्मॉल स्फीयर, तो व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय एन, ये तो पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर वी डोंट नो, तो दैट्स वी हैव मल्टीप्लाई बाय एन, सो एन इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टू, आर टू की वैल्यू कितनी है हमें, 6 का क्यूब, आर जस्ट मिनट, यहाँ पे स्मॉल स्फीयर का हो जाएगा आर टू, आर वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर वन है ना, सॉरी दिस इज आर वन, ठीक है, तो आर वन की वैल्यू क्या है पे, आर वन क्यूब की, आर वन की वैल्यू क्या है, 12 है, तो यहाँ हो जाएगा 12 का क्यूब, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू 12 × 12 × 12 अपॉन दिस गो दिस साइड, तो 6 × 6 × 6, नो वे टू कैंसिल, 6 × 12 6 × 12 अगेन 6 × 12, सो व्हाट इज आंसर, 2 × 4 2 × 4 4 × 8, ठीक है ना, 2 × 2 × 2, तो टोटल स्फीयर कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, 8 स्फीयर्स, ठीक है, टोटल स्फीयर कितना हो जाएगा, 8 स्फीयर, ये समझ आया, वॉल्यूम स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, वी हैव टू फाइंड आउट द हाउ मेनी स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर क्या लिए थे, आर टू, दैट्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई एन, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 11, सी योर टेक्स्ट बुक, इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर इक्वल, क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर इक्वल, सो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हियर बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेटेड रेडियस, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट इट रेडियस, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्फीयर, 4/3 π r³, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 π r², क्लियर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचा 4 × r³ = 4 × r² ओके। नाउ इसको कर ले रहे हो आर क्यूब, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वेन गोइंग दिस साइड हो जाएगा 3/4, क्लियर।
आफ्टर दैट 4 4 कैंसल, हियर R2 एंड हियर R3 इज देयर, तो क्या बच जाएगा R, ठीक है, क्या बच जाएगा अपने पास R बच जाएगा, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा ना 3 माइनस 2, यहाँ पे हो गया 3, तो 3 माइनस 2 इज वॉट 1, सो सो वॉट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज वॉट 3 यूनिट, वाई बिकॉज इन द क्वेश्चन नॉट गिवन n इज ए सेंटीमीटर और मीटर, सो वी आर टेकिंग 3 यूनिट्स, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 12, मस्त सा क्वेश्चन है। अ चाइल्ड कन्वर्ट्स अ कोन ऑफ अ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इनटू अ स्फीयर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो वही चीज है, यहाँ पे मेल्ट कर रहा है स्टूडेंट, क्या कर रहा है वो, एक्चुअल पहले क्या था, कोन था, बच्चे ने क्या किया, उसको चाइल्ड ने क्या किया, सो उस कोन को क्या किया, उस कोन को कुछ ना कुछ करके उसको किस में बना दिया, उसने स्फीयर पे कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ जो जो कोन का जो वॉल्यूम होगा और जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, दोनों वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इस टाइप के अपन क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, क्लियर हो रहा है। पहले क्या था वो कोन, बच्चे ने उसको कुछ ना कुछ मोल्ड किया और क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। सो R1 फॉर द कोन एंड R2 फॉर द स्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का तो फॉर्मूला हो गया 4/3 πr³, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 πr² h, ठीक है। अब यह स्फीयर का क्या लिए, R2, तो मेक R2, एंड कोन का क्या लिया अपन, R1, सो मेक R1, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस वन, 1/3, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, वी डोंट नो, यहाँ देखो पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा R1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 6, तो 6 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट, 24 इक्वल्स टू 4/3 R2, वी डोंट नो, दैट्स वी हैव टू राइट R2, नाउ वी हैव टू सॉल्व, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट R2, अब देखो 3 8 24, तो बचा क्या हमारे पास, 6 × 6 × 8 इक्वल्स टू 4/3 × r³, R2 का क्यूब, ठीक। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R, सो दिस गो दिस साइड, तो हो जाएगा 6 × 6 × 8 इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस 3/4 इक्वल्स टू r³ का 2, ठीक। देन वी हैव टू कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्यूब इज देयर, सो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, क्यूब, इफ इट इज पॉसिबल देन वी हैव टू मेक, तो 6 × 6 × 6 इक्वल्स टू r³ का 2, ठीक है, रेडियस 2 हो गया। नो शैल वी राइट 6 का क्यूब इक्वल्स टू r³ का 2, ओके। देन वॉट, इसको कर लो क्या, r2, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको r3 कर लो यहाँ पे, अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये r2 जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 6 का 3, ओके। नाउ दिस दिस कैंसिल, तो व्हाट इज द वैल्यू रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या आ जाएगा, r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर इज व्हाट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ये तो पता करना था, r2 रेडियस ऑफ स्फीयर, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इज इट क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 13 सेज, बाय मेल्टिंग डाउन 3 स्फेरिकल बॉल्स, 3 स्फेरिकल बॉल्स आर देयर ऑफ रेडियस, फर्स्ट का रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर, सेकंड हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, एंड थर्ड इज 10 सेंटीमीटर। वन बिग सॉलिड स्फीयर इज मेड, क्या कर रहा है, वन बिग सॉलिड स्फीयर इज मेड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर, मतलब स्टूडेंट्स वही चीज फिर से हो रहा है, हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, सेकंड स्फीयर है उसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, थर्ड है उसका कितना रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब इसको क्या कर रहा है, दिस थ्री ऑफ थिंग्स, 3 स्फीयर वी हैव टू मेल्ट, मेल्ट करने के बाद क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, एक वन बिग स्फीयर विल वी विल मेक,
वो बिग स्पेयर का जो रेडियस क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है रेडियस क्या होगा, इन सब से क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इस सभी रेडियस, इस सभी स्फेयर को अपन क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं और एक बिग स्फेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पास ये पता चला, ये पता चला सबको क्या कर दी, इसका जो वॉल्यूम, इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो बिग स्फेयर के वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, मैं यहां लिख दे रहा हूं इक्वल्स टू, ठीक है ना, वॉल्यूम फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 πr³ प्लस 4/3 πr³, 4/3 πr³ इक्वल्स टू 4/3 πr³। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, फर्स्ट वाले का स्फीयर R1, हियर R2 एंड हियर R3, और इसको एज इट इज रहने देते हैं स्मॉल आर, या फिर ये कैपिटल आर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4/3 π, 4/3 π, 4/3 π, ठीक है, तो सबको ले लो कॉमन, तो बचा के अंदर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल्स टू 4/3 πr³। ठीक है, अब यहाँ बच गया हमारे पास R³। ठीक है, सो आफ्टर दैट दिस 4/3, 4/3 कैंसल, दिस पाई पाई ऑल्सो इज कैंसल, सो वाट इज द वैल्यू ऑफ R1, 6 का क्यूब, R2 का क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब, R3 क्या होगा, 10, फ्रॉम हियर इक्वल्स टू R³। तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 8 का क्यूब 5.2 और ये हो जाएगा 1000 इक्वल्स टू R³। ओके, व्हेन वी हैड एट दिस 1216 5.2 प्लस 1000 इट इज गेटिंग 1728 इक्वल्स टू R³। तो ये आपका आ गया R³, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1728। आफ्टर दैट इसके बाद क्या करेंगे, वी हैव टू टेक द एलसीएम, इफ यू नो द क्यूब वैल्यू ऑफ द 1728, रूट क्यूब वैल्यू ऑफ 1728, यू हैव टू राइट द डायरेक्टली। सो और अगर नहीं पता है तो अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं 1728, किससे हो जाएगा, 2 से कर लेते हैं, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, ठीक, अगेन 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, ठीक है, अब किससे हो जाएगा, 3 से कर लो, 3 3 3, और ये वन, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, सो यहाँ पे देखो R का क्यूब है, तो यहाँ पे कॉमन लेनी, यहाँ पे 3, हियर ऑल्सो 3 एंड हियर ऑल्सो 3, तो 3 का पेयर कर लेते हैं, तो 3 का क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, ठीक है, सो R इक्वल्स टू 3, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12, ठीक है, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ बिग स्फीयर, 12 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हुआ, सो ये एक्सरसाइज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन इजी तब लगेंगे स्टूडेंट्स, अब यू हैव टू लर्न योर दैट्स ऑल द फॉर्मूलास, बस बेसिक याद रखो कैसे कैसे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते जाओ, प्रैक्टिस करो, अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5। इन द एक्सरसाइज नंबर 5 जितना भी अपन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, क्यूब, क्यूबॉइड,
और क्या पढ़े अपन, क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, हाँ सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया और कोन हो गया, दिस ऑल द मिक्सचर ऑफ द ऑल द थिंग्स, ये फॉर्म्ड हो गया एक्सरसाइज नंबर 5। मतलब अपने को पूरे मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 पे, ठीक है। नाउ सी द एक्सरसाइज नंबर 5 स्टूडेंट्स, व्हाट द क्वेश्चन सेज, इन फिगर 39 द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, दिस इज अ क्यूब एंड दिस इज अ हेमिस्फीयर, द बेस ऑफ द फिगर इज अ क्यूब, जो बेस है क्यूब है, विद एजेस 5 सेंटीमीटर, ईच एज 5 सेंटीमीटर, क्यूब है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड द हेमिस्फीयर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप, जो हेमिस्फीयर है कहाँ पे रख दिया अपन इसको, टॉप पे रख दिया किसके, क्यूब के, उसका डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑब्जेक्ट वी हैव टू फाइंड, मीन्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेटा ये जो क्यूब है इसके टॉप पे क्या रख दिया अपन, हेमिस्फीयर रख दिया, जस्ट मिनट इसको जूम कर देता हूँ मैं। अब देखो ये जो क्यूब है इसके ऊपर टॉप पे क्या रख दिया स्टूडेंट्स, अपन हेमिस्फीयर रख दिए, ठीक है। सपोज वी हैव टू फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्या निकल जाएगा, ये पूरा एरिया निकल जाएगा 6a² अपन फॉर्मूला पुट अप करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा टोटल सर्फेस एरिया किसका, क्यूब का, बट इसके टॉप में क्या है स्टूडेंट्स, इसके टॉप में है क्या है, हेमिस्फीयर है। तो स्टूडेंट्स ये बताओ जो हेमिस्फीयर का बेस है, ये जो बेस है, है ना, और इस क्यूब का जो टॉप है, ये जो एरिया है हेमिस्फीयर का, ये जो एरिया, ठीक है, नीचे वाला जो एरिया है किसका, हेमिस्फीयर का, और जो टॉप का ये एरिया है क्यूब का, अगर मैं 6a² निकाल लेता हूँ, इट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर मैं 6a² निकालता हूँ क्यूब का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कि अपन टोटल एरिया निकाल चुके, और ये जो एरिया कवर हुआ है, ये जो एरिया यहाँ पे, ये जो एरिया कवर हुआ है वो भी अपन किस पे आ जाएगा, वो क्यूब पे आ जाएगा। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो क्यूब, जो हेमिस्फीयर का जो एरिया है, बेस का जो एरिया है, वो किस पे कवर हो जाएगा स्टूडेंट्स, किसके कवर हो जाएगा, क्यूब पे कवर हो जाएगा। तो अपने को सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, ये जो ऊपर वाला है, दिस वन ओनली स्फीयर, दिस स्फीयर वी हैव टू फाइंड, ये एरिया फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो अपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 3πr² ये हो गया, ये जो ए है 2πr², और ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सर्कल ही तो है, तो ये क्या है, πr², तो बनता है क्या फॉर्म, टोटल सर्फेस हेमिस्फीयर कैसे बनता है, दिस 2πr² एंड दिस कट वन, ये जो होल है, ठीक है, होल मतलब ये जो कवर है, नीचे का जो कवर है वो क्या हो जाएगा, πr², तो टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr², लेकिन जो बेस का है, जो बेस है किसका, हेमिस्फीयर का, और जो क्यूब के जो टॉप है, दोनों में किसी भी अपन, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपन एरिया लेते हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, क्यूब का एरिया ले रहे हैं, टोटल क्यूब का क्या ले रहे हैं, एरिया, तो ये जो बेस है हेमिस्फीयर का वो कौन कवर कर लेगा, कौन कवर कर लेगा, क्यूब कवर कर लेगा, तो अपन क्या करेंगे, इसका ले लेंगे 2πr² और उसको किससे माइनस कर देंगे, πr² से, ठीक है, ये 2πr² है और किससे माइनस कर देंगे अपन इसको, πr² से माइनस कर देंगे, तो ये जो कवर रहेगा, ये जो कवर है, ये जो है, ये जो कवर कर रहा है क्यूब के साथ, वो अपना उससे माइनस हो जाएगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है, तो जो इसका बॉटम है किसका, हेमिस्फीयर का, और जो क्यूब का जो एरिया है यहाँ पर का जो एरिया है, दोनों क्या होगा, एक ही साथ कवर कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, क्यूब का जो एरिया अपन कवर कर लेते हैं यहाँ पर का पूरा, और इस जो एरिया से हेमिस्फीयर का, उसको इस एरिया से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्लियर है। नौसी, सो डेटा इज गिवन, क्यूब एजेस दिया 5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का डेटा क्या दिया, डायमीटर, सो व्हाट इज द रेडियस स्टूडेंट्स, रेडियस क्या हो जाएगा, 4.2 अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2.1 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द रेडियस हियर, 2.1 सेंटीमीटर, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सर्फेस एरिया ऑब्जेक्ट, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कौन सा एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारे पास क्यूब है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस
क्या ले रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, कर्व सरफेस ले रहे हैं, उसे माइनस क्या कर देंगे अपन, उससे क्या माइनस कर देंगे, प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, जो उसका नीचे वाला जो भाग था, नीचे वाला जो कवर कर रहा था किसको, क्यूब से, तो यहां से माइनस कर देंगे प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वादा फॉर्मूला 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, πr², ठीक है, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² क्या हो जाएगा, πr², ओके। 6 का 6 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, h 5 सेंटीमीटर, 5π² माइनस वी हैव टू 22/7, व्हाट इज द रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। फिर क्या करते हैं, 6 × 5² 25 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, 7 × 3 = 21 दिया जाएगा, 6 × 25 कितना हो जाएगा, 6 × 30 = 03 6 × 2 = 12 150 सॉरी यहाँ तो प्लस आएगा ना, प्लस सॉरी प्लस प्लस यहाँ भी प्लस आएगा, देन वी टू मल्टीप्लाई 22 × 3 66 मल्टीप्लाई 21/100 100 को एज इट इज रहने देना स्टूडेंट्स, क्योंकि इजी सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, तो 150 प्लस 66 × 21 तो ये आपका आएगा 1386/100 देन व्हाट 150 प्लस 13.86 सो व्हाट इज आंसर, 150 प्लस 13 हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, सी योर टेक्स्ट बुक, व्हाट द क्वेश्चन सेज, अ टॉय हैज 2 पार्ट्स, ठीक है, वन पार्ट इज कोन शेप्ड एंड हैज रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हेमिस्फीयर हैविंग सिमिलर रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोन का जो रेडियस है और जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है बोथ आर सेम, मींस कोन का रेडियस 5 सेंटीमीटर तो हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय 17 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल हाइट कितना है टॉय का, 17 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द टॉय, क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। अब देखो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, एक हेमिस्फीयर है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन, वन पार्ट इज कोन शेप एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर। जो कोन है स्टूडेंट्स, ये जो कोन है किस पे रखा हुआ है, हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, और दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। सो अब देखो ये जो कोन, ये कोन है और ये क्या है, हेमिस्फीयर है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो कोन का रेडियस 5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये पहले पार्ट का, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब टोटल हाइट कितना है स्टूडेंट्स, यहां पे 17 सेंटीमीटर है। एज वी नो दिस इज व्हाट, अगर मैं यहां पे मेजर कर दूं, सो दिस इज व्हाट हाइट, हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ कोन, क्या है, हाइट ऑफ कोन है। नाउ बेस ऑफ द कोन दिस इज व्हाट रेडियस, ये क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस है, ठीक है, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस कौन सा है, यही तो रेडियस है, दैट्स व्हाई एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट स्लैंट हाइट, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो लिखो यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लेते हैं, अगर दोनों को प्लस कर देंगे सरफेस एरिया को तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, प्लस
सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर और ये भी क्या है कर्व सरफेस है ठीक है कर्व सरफेस क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखो इफ रेडियस इज गिवन अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है ये क्या है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है ये क्या है सेंटर हेमिस्फीयर का तो क्या हम ये बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो द 5 सेंटीमीटर वाई बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर और दो सभी रेडियस क्या है इक्वल इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर तो यहां से सेंटर ये भी क्या कहलाएगा रेडियस सो दिस इज ऑल्सो इज वॉट 5 सेंटीमीटर ठीक है ठीक है ये समझ आया दिस इज 5 सेंटीमीटर सो दिस इज ऑल्सो इज वॉट 5 सेंटीमीटर सेंटर से कहीं भी टच करेगा तो क्या कहलाएगा रेडियस से तो है सो दिस इज ऑल्सो इज 5 सेंटीमीटर सो वन थिंग अब यहां से लेकर यहां तक 17 सेंटीमीटर सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन अब यहां से लेकर यहां पे 17 है फ्रॉम हियर टू हियर 5 सेंटीमीटर तो स्टूडेंट्स यहां से लेकर यहां तक कोन का जो हाइट होगा क्या 17 माइनस 5 तो फ्रॉम हियर टू हियर इट मेक्स 12 सेंटीमीटर सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन इट मेक्स 12 सेंटीमीटर ठीक है फ्रॉम हियर टू हियर इट 17 सेंटीमीटर टोटल हाइट When we do minus 17 minus 5, यहां से लेकर यहां पे 5 minus कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर ये निकल जाएगा किसका हाइट किसका कोन का ठीक है सो व्हाट इज द फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस प्लस का प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर अब वन थिंग इज हियर ये हाइट है स्टूडेंट्स ठीक है यहां पे कंफ्यूज नहीं होना अब देखो यहां पे ठीक अब यहां पे ये देखो पाई वी नो वी डोंट नो एल एल पता है क्या वी डोंट नो एल एल इज व्हाट स्लैंट हाइट कंफ्यूज मत होना दिस इज नॉट अ ये हाइट है स्टूडेंट्स ये जो हाइट है दिस इज नॉट अ स्लैंट हाइट यहां से लेकर यहां तक का हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर जस्ट अ मिनट कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग वेट नो सी दिस इज द हाइट ऑफ द कोन सो वी डोंट नो द एल वी नो द आर रेडियस पता है कोन का वी नो द आर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बट वी डोंट नो द एल सो हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एल एज वी नो एल स्क्वायर स्लैंट हाइट इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है एल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला एच क्या है एच क्या है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर 12 का स्क्वायर व्हाट इज रेडियस 5 सेंटीमीटर 144 प्लस 125 169 एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर ये किसका होता है 13 का स्क्वायर तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल 13 सेंटीमीटर सो एल क्या है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है नाउ वी हैव टू पुट हियर सो एल निकल गया दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स पाई ठीक है आर एल प्लस 2 आर स्क्वायर ठीक है यहाँ पे रेडियस कोन का रेडियस क्या है कोन का रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हाट इज एल अभी निकला है 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है यहाँ पे 5 अगेन 5 5 का स्क्वायर इसको बड़ा ब्रैकेट कर लो ठीक है पाई ठीक है यहां तक हो गया देन व्हाट 13 5 जा 65 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 पाई 65 प्लस 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 तो 50 प्लस 65 115 सो दिस इज योर आंसर 115 दिस इज योर आंसर आइदर हैव टू सॉल्व इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे और ये टू सॉल्व 115 इंटू 22 अपॉन 7 ठीक है इसके बाद सॉल्व कर लो इसको ठीक है दिस इज योर आंसर 115 पाई और यू हैव टू सॉल्व दिस वन पाई इक्वल 22 अपॉन 7 आइदर हैव टू सॉल्व दिस वन एज यू विश ठीक है सो व्हाट इज आंसर 36.5 ये भी आंसर करेक्ट है ठीक है सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट योर टेक्स्ट बुक व्हाट द क्वेश्चन सेज अ सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर सेम टाइप क्वेश्चन है बोलता है हेमिस्फीयर है उस पे क्या रखा हुआ है कौन रखा हुआ है ठीक है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मतलब इसका जो रेडियस सेम फ्रॉम हियर टू हियर ये क्या है 1 सेंटीमीटर
ठीक है, रेडियस कितना हेमिस्फीयर का 1 सेंटीमीटर, कोन का भी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, जो हाइट ऑफ कोन है किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है। इट मींस हाइट ऑफ कोन भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑल्सो इज वॉट 1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस ऑलरेडी सेज इन योर क्वेश्चन। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, अपने को पाई पे आंसर निकालना है। फिर वही काम स्टूडेंट्स, अब यहां पे ये देखो जो कोन का जो हाइट है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कोन का हाइट क्या है 1 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, किसका, कोन का, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या है स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर। इट मींस ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाइट 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो इज वॉट रेडियस, दिस इज ऑल्सो इज वॉट रेडियस, ठीक है ना। सेंटर से क्या है रेडियस है, अभी क्या है रेडियस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टर्म्स इन टर्म्स ऑफ पाई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड में क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहां पे कोन को रेडियस क्या लिए है आर वन, तो ले लो आर वन, सॉरी कोन का लिए अपन आर टू, दिस इज आर टू, कोन का जो रेडियस कितना है आर टू है, और हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है आर वन है, तो मेक आर वन, ठीक है। नौ सी, अब ये मैं देखो कॉमन क्या है, पाई भी कॉमन है 1/3 भी कॉमन है, मेक कॉमन 1/3 और यहाँ पे पाई, तो बचा क्या हमारे पास आर टू का स्क्वायर एच प्लस, ठीक है ना, ये बच गया, यहाँ पे क्या बच गया टू, ठीक है ना, यहाँ से तो 1/3 निकल गया, तो बचा गया टू, और यहाँ पे आर थ्री क्यूब का वन, आर वन क्यूब का थ्री, ये समझ आया, यहाँ से थ्री निकला, यहाँ से पाई 1/3 पाई कॉमन आ गया। आफ्टर दैट 1/3 पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टू, आर टू का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, ऑलरेडी सेज द क्वेश्चन हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दैट कोन, ठीक है, तो रेडियस भी क्या है यहाँ पे 1, सॉरी हाइट भी क्या है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई, व्हाट इज द आर वन, आर वन की वैल्यू कितनी है 1 का क्यूब, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब 1, 2 वन जा 2, आफ्टर दैट 1/3 पाई, 1 प्लस 2 3, सो 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। नाउ दिस थ्री कैंसल, व्हाट इज आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब, सो दिस इज द वॉल्यूम। और क्वेश्चन में बोला है कि अपने को क्या लेके आना है, इन टर्म्स ऑफ पाई वी हैव टू मेक द आंसर, तो दिस इज योर आंसर ऑफ पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्या बोलता है क्वेश्चन, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, कैसा है स्फेरिकल ग्लास वेसल है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक, नेक कैसा है स्टूडेंट, सिलिंड्रिकल नेक है, कैसा है नेक, सिलिंड्रिकल नेक है, ठीक है। विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इज डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर है, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, जो डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट है कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वॉटर इट कैन होल्ड, क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वॉटर इट कैन होल्ड, मीन्स वट वी हैव टू फाइंड आउट, वेदर वी हैव टू फाइंड आउट द सर्फेस एरिया और वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स पानी की बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स क्वांटिटी की बात कर रहा है, सो वट वी हैव टू मेक द फॉर्मूला हियर, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ भाई, सिलिंड्रिकल नेक, डायामीटर
सिलिकॉन लैक कर दिया, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, हाइट, हाइट इज गिवन, हाइट कितना है यहाँ पे सिलिंड्रिकल नेक का 4 सेंटीमीटर। ये हो गया डेटा किसका, सिलिंड्रिकल नेक का। स्फेरिकल पे आते हैं, स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल का क्या दिया, रेडियस, सॉरी क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है क्या, डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब डायमीटर इज 2, तो यहां पे रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर। स्फेरिकल डायमीटर 6, तो रेडियस क्या हो जाएगा यहां पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कैपिटल आर से मेंशन कर लो या आर वन आर टू कर लो, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल्स टू, अपने पास क्या है, सिलिंड्रिकल वेजल है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलिंड्रिकल नेक, ठीक। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, स्फेरिकल फॉर्मूला क्या है स्फेरिकल का, 4/3 पाई आर क्यूब, आई एम टेकिंग कैपिटल आर बिकॉज यहां पे कैपिटल आर लिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल नेक, आइदर यू हैव टू डू आर वन और आर टू, यहां पे मैं आर वन स्मॉल आर लिया, कैपिटल आर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आइदर यू टू मेक आर वन और या तो आर टू, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे स्मॉल आर ले लिया मैंने, यहां पे वी आर टेकिंग द कैपिटल आर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन हियर, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है, पाई निकालो बाहर, 4/3 आर का क्यूब प्लस आर स्क्वायर और यहां पे एच, ठीक। पाई को एज इट इज रहने दो, 4/3 व्हाट इज द वैल्यू, आर, आर की वैल्यू कितनी है 3, प्लस व्हाट इज द वैल्यू स्मॉल आर 1, व्हाट इज एच, एच इज गिवन 4 सेंटीमीटर, पाई 4/3 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का 4, पाई, दिस थ्री कैंसल, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36 प्लस 4 × 1 = 4। सो व्हाट इज आंसर स्टूडेंट्स, पाई मल्टीप्लाई 40, तो आ जाएगा 40 पाई अमाउंट ऑफ वाटर, इट मीन्स 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, इज इट क्लियर। इन योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 5 का आपके टेक्स्ट बुक में कुछ आंसर गलत दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। इन योर टेक्स्ट बुक वो दिया हुआ 44 पाई, इट्स रॉन्ग, मेक करेक्ट इन योर टेक्स्ट बुक, आंसर क्या आएगा 40 पाई आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5 का 4th क्वेश्चन का वो टेक्स्ट बुक में 44 पाई दिया हुआ, क्लियर है यहां तक। नाउ सी दिस एग्जांपल नंबर 12 स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन, अ वेजल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, क्या बोलते हॉलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलिंड्रिकल, क्या माउंटेड मतलब एक हेमिस्फीयर है, उस पर क्या रख दिया, सिलेंडर रख दिया। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट नीडेड टू मेक दिस कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑफ द वेजल, मीन्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या पूछा यहाँ पे, फाइंड द एरिया मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया, मीन्स इसका जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का और दो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस है दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और क्या पूछा क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ द वेजल मीन्स उस पर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वॉल्यूम ऑफ द वेजल, इट मीन्स क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम एंड द हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सॉल्यूशन दिया है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ वेजल 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर 13 है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको देखो एक बार, इसको समझो, ठीक है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, एग्जाम्पल नंबर 12, सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, पहले सिलिंड्रिकल का वेजल का वॉल्यूम निकालना, देन वे टू
फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वी हैव टू मेक प्लस, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वेसल। सेम ईयर ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट नीडेड टू मेक दिस कंटेनर, वी हैव टू फाइंड आउट द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन वी हैव टू फाइंड आउट द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वी हैव टू मेक एड, तो ये आ जाएगा एरिया आयरन शीट का। क्लियर है, यू हैव टू मेक दिस एग्जाम्पल नंबर 12। इज इट क्लियर? ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। सो योर एक्सरसाइज नंबर 5 इज कंप्लीटेड, यू आर ऑल्सो चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस न्यू थिंग, मे बी इट्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड मेक मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। ठीक है, so thanks to all of you, be safe, take care.